भारतीय जनता पार्टीचे महाराष्ट्राचे प्रदेश अध्यक्ष श्री बावनकुळे असे म्हणाले की शरद पवार साहेबांना भाजपा सोबत युती मान्य होती परंतु देवेंद्र फडणवीस साहेब मुख्यमंत्री पदावर मान्य नव्हते। आता काही दिवसांआधी महाराष्ट्राचे विद्यमान उपमुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांनी असा गौप्यस्फोट केला की सकाळचा जेव्हा शपथविधी झाला त्याला पवार साहेबांचा आशीर्वाद होता आणि त्या शपथविधीनंतर स्वतः देवेंद्र फडणवीस साहेब हे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झालेले। आता बावनकुळे साहेब असतील की देवेंद्र फडणवीस साहेब असतील ह्या दोघांचं वक्तव्य परस्पर विरोधी आहे, त्याच्यामुळे दोघांमधून खरं कोण बोलतोय हा देखील एक संशोधनाचा भाग आहे। महाराष्ट्रामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीने कधीच भारतीय जनता पार्टीला जवळ केलेलं नाही, करणार नाही। महाराष्ट्र पुरोगामी विचाराचं राज्य आहे आणि महाविकास आघाडी सोबत राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी आहे। असे परस्पर विरोधी वक्तव्य भाजपकडनं कडून लोकांच्या मनामध्ये संभ्रम निर्माण करण्याचा एक प्रयत्न आहे। भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर बावनकुळेजी ने कल ऐसा कहा कि शरद पवार जी को भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस मंजूर है लेकिन देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री पद पर मंजूर नहीं। कुछ दिन पहले विद्यमान उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने ऐसा कहा कि जब सुबह का शपथ विधि हुआ तो पवार साहब की जानकारी में हुआ और कुछ घंटों के लिए देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। अब दोनों नेताओं का अगर आप बयान देखेंगे तो दोनों नेताओं के बयान पूरी तरह से विरोधी हैं और ये सिर्फ महाराष्ट्र की जनता को भ्रमित करने के लिए इस प्रकार का बयान बार बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का किसी भी प्रकार का कोई भी अलायंस भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं था, नहीं है और भविष्य में भी नहीं रहेगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महाविकास आघाड़ी के साथ है, शिवसेना के साथ है जो उद्धव ठाकरे जी की है और कांग्रेस पार्टी के साथ है, लेकिन महाराष्ट्र की जनता को भ्रमित करने के लिए बार बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस प्रकार का विधान किया जा रहा है।